अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है बच्चों, कल हमने देखे थे, क्या पढ़े थे हमने? प्रस्तावना देखे थे। कौन सी कविता थी? भारत। तो आज हम भारत की कविता का अध्ययन कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं। तो बच्चों अपनी किताब में देखेंगे, जग में सुंदर विश्व अनुपम एक अजूबा, भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में तू जा। सुबह सुनहली किरने आकर खिड़की खोल जगाती, मुंडेर पर कोयल चुनमुन चुनमुन राग प्रभाती गाती। बच्चों देखिए, यहाँ पर कवि ने लिखा है, कवि है इसके डॉक्टर मधुसूदन साहा। इन्होंने कहा है कि जग में, यानी पूरे विश्व के अंदर, पूरे जग के अंदर हमारा विशाल भारत सबसे सुंदर और अजूबा है। इसकी हर चीज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। भारत जैसा देश नहीं इस दुनिया में दूजा, इतना प्यारा और इतना विशाल देश नहीं गई। सुबह सुनहरी किरने आकर हमारे देश पर सुबह सुनहरी किरने आती सूरज की और हमें जगाती। बच्चों आप कब उठते हो? कोई 6 बजे उठता है, कोई 7 बजे। कैसे उठते हैं आप लोग? कैसे उठते हैं? हाँ, कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई? किरने निकलती और क्या सुनाई देती है सुबह में? अज़ान सुनाई देती है और नमाज हम जब पढ़ते हैं उसके बाद में सूरज तुलू होता है। तो यहाँ लिखा है सुबह सुनहरी किरने आकर, सूरज के सुनहरी किरने आती खिड़की खोल जगाती। तो हमारी खिड़कियों में से वे अंदर आ जाती, दरवाजे में जगाती है वो। और मुंडेर पर कोयल चुनमुन चुनमुन राग प्रभाती गाती। कोयल जो है वो हमारी मुंडेर के ऊपर, दरख्तों की मुंडेर के ऊपर बैठती है और वहां से वो कैसी आवाज निकालती है? कोयल कोयल किस तरह करती है? किस तरह से? इस तरह उसकी आवाज परिंदों की चहचहाट की आवाज हमको आती है और हम उड़ जाते हैं। देखो बच्चे अगले स्टेशन इसके, काम काज में जुटा हुआ है देखो देश समूचा, भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। सच्चे मन से गले लगाकर हमें प्रेम जताते, लेकिन जो भी आंख दिखाता उसको सबक सिखाते। देखो बच्चों, काम काज में जुटा हुआ है देखो देश समूचा, क्या कह सकते हैं इस पर बताइए? और जो उनके माता पिता है, किसी के पिता किसी के माता पिता, वो कहाँ जाते हैं बच्चों? काम के लिए जाते हैं। तो पूरा देश हमारा कैसा है? काम में जुटा हुआ है समूचा, पूरा हमारा देश। भारत जैसा देश नहीं इस दुनिया में दूजा, ऐसा कोई देश नहीं हमारे भारत जैसा। सच्चे मन से गले लगाकर, देखो बच्चों हमारे देश में विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं लेकिन सब एकता से रहते हैं, अनेकता में एकता, यही है भारत की सभ्यता। तो बच्चों हम सच्चे मन से एक दूसरे को गले लगाते हैं, ईद हो या दिवाली हो या कोई भी त्योहार हो, हम सब मिलकर साथ में रहते हैं। लेकिन जो हमें आग दिखाता है, जो हमें गद्दार होते हैं, जो आतंकी होते हैं, उन्हें हम सबक सिखाते हैं, उनको देश सजा देता है। प्रगति पथ पर बढ़ते करते श्रम की पूजा, हमारे देश प्रगतिशील है, प्रगति के पथ के ऊपर, प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है, प्रगति के पथ पर जा रहा है। तो हम करते श्रम की पूजा, श्रम के मानी है बच्चों मेहनत, मेहनत की हम पूजा करते हैं, यानी मेहनत से हम सब पूरा देश के नागरिक काम करते हैं। भारत जैसा देश नहीं इस दुनिया में दूजा। चलिए बच्चों अब मेरे बाद में पढ़ेंगे आप लोग सब, और फिर आपको इसमें काल सूत्र में इस कविता को आप गाकर भी बताऊंगी। जग में सुंदर विशाल अनुपम एक अजूबा, जग में सुंदर विशाल अनुपम एक अजूबा, भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा, भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। सुबह सुनहरी किरने आकर, सुबह सुनहरी किरने आकर खिड़की खोल जगाती, खिड़की खोल जगाती, मुंडेर पर कोयल चुनमुन चुनमुन, मुंडेर पर कोयल चुनमुन चुनमुन राग प्रभाती गाती, राग प्रभाती गाती। काम काज में जुटा हुआ है, काम काज में जुटा हुआ है देख
पूजा करते श्रम की पूजा। भारत जैसा देश नहीं है, भारत जैसा देश नहीं है, इस दुनिया में दूजा, इस दुनिया में दूजा। तो बच्चों ये हमारी कविता भारत, जिसके कवि है डॉक्टर मधुसूदन साहा। पढ़ो और गाओ। सुंदर देश हमारा विशाल अनुपम, मेहनत कष्ट देश। बच्चों यहाँ के ज्यादातर लोग जो है किसान है, यानी आधे से ज्यादा जो लोग हैं वहाँ पे यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं। तो बच्चों इस कविता को आप गाकर बताइए, गा के बता सकते हैं, बताइए स्टार्ट।